मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने एक और मौका हमें दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 13वां अध्याय उसका 21वां वचन हम पढ़ें। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। कल हमने इसी वचन का पहला भाग ध्यान दिया था जहां पर हमने पढ़ा था कि बुराई पापियों के पीछे पड़ती है। आज के दिन हम इस वचन के दूसरे भाग को ध्यान देंगे जहां पर लिखा है कि धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। हम जब इस संसार में देखते हैं कितने प्रकार के अलग अलग धर्म हैं और हर एक धर्म की यही शिक्षा है, वो अपने अन्यायियों को उपदेश देती है कि वो दूसरों का भला करें, अच्छा करें, ताकि वो प्रतिफल पा सकें, पुण्य कमा सकें, आशीष पा सकें। और मनुष्य जो लालची है वो पुण्य कमाने की इस चाह के साथ अच्छे कर्म करने का प्रयास करता है। कई तो एक हाथ से दूसरों को लूटते हैं, ठगते हैं और दूसरे हाथ से गरीबों को बांट भी देते हैं कुछ भाग, क्योंकि उन्हें लगता है ऐसे करने से उनके पाप माफ हो जाएंगे। वो अच्छे काम इसलिए करते हैं ताकि कैसे ना कैसे उनका विवेक जो उन्हें दोष देता है उसकी आवाज को कम किया जाए, क्योंकि विवेक तो न्याय के बारे में चौकस करता ही करता है। दुख की बात, आज बहुत से विश्वासी भी इस प्रकार की शिक्षाओं में फंस जाते हैं। वो ये सोचते कि अगर हम दूसरों का भलाई करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। कई आत्मिक बन जाते हैं, गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, दूसरों को दान देते हैं, यही सोच के साथ कि हमें आशीष मिलेगी। कई तो दसवां हिस्सा और चंदा समय पर देते हैं और ये सोचते कि हमारी आर्थिक समस्याओं का हल इसी के द्वारा हो जाएगा। और कई अपने आप को सेवक कहने वाले लोगों को भी यही शिक्षा देते हैं कि दो तो तुम्हें मिलेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन का सिद्धांत तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हमारे स्वर्गीय पिता की तरह हमें भी दूसरों का भलाई करना हमारा स्वभाव में होना है। हम कुछ पाने के लिए दूसरों की भलाई नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें अच्छा बनाया है, इसलिए वो ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर होने के कारण नए जन्म के द्वारा जो नया मनुष्य जन्म लिया है, भलाई करना हमारे स्वभाव का एक हिस्सा है। मसीह जीवन के सिद्धांत जुआ खेलने के उस खेल की तरह नहीं है। हम परमेश्वर को ये सोचकर ना दें कि प्रभु हमें आशीष देगा। हमारा प्रभु अच्छा है, भला है, सबको प्यार करता है, यहां तक जो शत्रु हैं, जो पाप में मजा करते हैं, उनको भी प्रभु प्यार करता है। प्रेम करने वाले और कृपालु परमेश्वर ने इस पृथ्वी को अपनी भलाइयों से भरा है। सो अगर एक व्यक्ति प्रभु के पीछे आशीष के लिए जाता है, उसका मतलब वो अभी तक उस सिद्धता तक बढ़ नहीं पाया है, वो अपने परमेश्वर के स्वभाव को अभी तक समझ नहीं पाया है। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीषों की वायदा दिए थे। कारण क्या है? क्योंकि वो उस सिद्धता तक बढ़े नहीं थे जिसके कारण वो परमेश्वर को, जिसके द्वारा वो परमेश्वर को समझ पाते। उन्हें परमेश्वर के स्वभाव का ज्यादा मालूम नहीं था, क्योंकि परमेश्वर उनसे थोड़ा थोड़ा कर अपने आप को प्रकट करता था। लेकिन फिर भी हम पुराने नियम के संतों को जरा देखें, उनकी सूची कितनी लंबी है। उन्होंने अपने अच्छे जीवन को त्यागा, कष्ट को चुन लिया विश्वास के कारण। आज जो हम नए नियम की कलीसियां हैं, हमारा बुलाहट उनसे कितना ऊंचा है। हमने प्रभु के भलाइयों को अनुभव किया जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता था। उद्धार के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन दान के तौर पर मिला है, और इतना बेशकीमती दान है जो जिसके पीछे दुनिया तरसती है। और प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया है, मसीह यीशु के द्वारा, मसीह यीशु का वो धार्मिकता का वस्त्र हमें पहनाया है। हम इस लायक नहीं थे। हम अपने जीवन के अंत तक मसीह में अगर बने रहे, अवश्य है स्वर्ग बदला देगा। एक व्यक्ति जिसने प्रभु के प्यार को देखा है, वो परमेश्वर से और कुछ नहीं चाहता।
केवल परमेश्वर की उपस्थिति ही उसके लिए सबसे बड़ी आशीष है। बाकी संसार के सारी आशीषें, धन दौलत, कुछ भी नहीं है इस आशीष के सामने। ऐसा व्यक्ति जब स्वर्ग में पहुंचता है, जो प्रभु को तहे दिल से प्यार करता है, उसकी एक ही तमन्ना है, प्रभु का मुख देखे। लेकिन जो व्यक्ति लालच के साथ इस मार्ग में चलता है, उसके अंदर प्रभु के लिए कभी प्यार था ही नहीं। लेकिन जो धर्मी है, जो प्रभु के पवित्र मार्ग को प्यार करता है, जो दुष्टता से अपने जीवन को बचाए रखता है, उसको स्वर्ग प्रतिफल देगा। और स्वर्ग का प्रतिफल परमेश्वर स्वयं है। पहले शताब्दी के संतों को जरा देखें, जिन्होंने प्रभु को प्यार किया, उन्हें प्रभु को अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज समझा, वो अपने जीवन को भी प्रभु के लिए देने के लिए तैयार थे। वो ये सोचकर कि कष्ट नहीं सहे कि उन्हें स्वर्ग में कुछ प्रतिफल मिलेगा। उनके लिए सबसे बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में प्रभु के साथ होना है। आइए आज के दिन सवेरे के समय हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा प्रतिफल है? क्या हम इस धर्म के मार्ग में चलने के लिए प्रयास करते हैं, ताकि प्रभु का नाम हमारे जीवन के द्वारा महिमा हो? आइए इन दिनों में हमारा प्रभु हमारा जीवन बन जाए। आइए हम विश्वास योग्य ठहरे, प्रभु को तय दिल से प्यार करें। हमारा प्रभु अति शीघ्र अपने पास हमें लेकर जाने के लिए आ रहा है। प्रभु उसके लिए हम एक एक को मदद करें, ताकि हम विश्वास में स्थिर रह सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। बाप, आपके बहुमूल्य वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु इस नए जीवन के लिए धन्यवाद। एक नए व्यक्तित्व को आपने हमारे अंदर रचा है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु जब दुनिया लालच के पीछे भागते वक्त आपको पूरे दिल से प्यार करने के लिए, आपके नाम के महिमा के लिए जीने के लिए हम एक एक को मदद करें। हम कितने आशीषित हैं, आप हमें मिल गए। हमें केवल आपकी उपस्थिति ही चाहिए। प्रभु आपको प्यार करने के लिए हम एक एक को मदद करें। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।